हे गाइस, मैं हूं पीकू और आज हम बात करने जा रहे हैं जर्नी टू द वेस्ट मूवी के सेकेंड पार्ट की। जर्नी टू द वेस्ट के फर्स्ट पार्ट में मॉन्क के साथ एक फिश मॉन्स्टर, एक पिग मॉन्स्टर और मंकी किंग होता है जो एक सफर पर निकले होते हैं, और इस मूवी में इनके सफर के आगे की स्टोरी बताई गई है। वेल दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है और हमें मॉन्क दिखाया जाता है जो सो रहा होता है। वो साइज में बहुत बड़ा होता है। वहाँ के लोग उसे जगाते हैं, तभी उसके जगने पर वहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं। वहाँ का किंग मॉन्क को बताता है कि वह इंडिया में है, और मॉन्क इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है। तभी मॉन्क का गुरु वहाँ पर आता है और मॉन्क को एक सर्किल मैजिक रिंग देता है, और मॉन्क मैजिक रिंग को अपने हेड के पीछे इंसर्ट कर लेता है, पर उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, वह रिंग फटने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि वह एक सपना देख रहा था। मॉन्क जहाँ सो रहा था वहाँ सर्कस चल रहा होता है। वहाँ सर्कस का एक आदमी आता है और मॉन्क से कहता है कि तुम्हें भी सर्कस दिखानी चाहिए। मॉन्क के पास पिग मॉन्स्टर, फिश मॉन्स्टर एंड मंकी किंग होते हैं। मॉन्क फिश मॉन्स्टर से कहता है कि तुम इन लोगों को इंटरटेन कर, जिसे वो अपना फेस फिश शेप में कर लेता है, जिससे कि वहाँ मौजूद एक बच्चा रोने लगता है, जिसे वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और मॉन्क को अच्छा सर्कस दिखाने के लिए कहते हैं। तभी मॉन्क मंकी किंग की तरफ इशारा करता है जो एक पेड़ पर होता है। लोग बहुत आश्चर्य भरी नज़रों से मंकी किंग को देखते हैं, बट मंकी किंग साफ सर्कस दिखाने के बजाय नीचे गिर जाते हैं, और मौजूद सभी लोग मॉन्क को चीज़ें फेंक कर मारने लगते हैं। मॉन्क मंकी किंग से बोलता है कि जल्दी उठो और सर्कस दिखाओ। मंकी किंग उठ जाता है और पिग मॉन्स्टर एंड फिश मॉन्स्टर से बोलता है कि मुझे थप्पड़ मारो, जिससे कि मुझे गुस्सा आए और मैं अच्छा सर्कस दिखाऊं। पर वहाँ के लोग उनकी बेइज्जती किए जा रहे होते हैं, जिससे पिग मॉन्स्टर को बहुत ही गुस्सा आता है और वह एक लेडी पर अटैक कर देता है। तभी फिश मॉन्स्टर मंकी किंग को एक मुक्का मारता है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है, पर मंकी किंग का एक नया सर उगाता है जिसे सब लोग डर जाते हैं। तभी मंकी किंग अपना जबरदस्त सर्कस दिखाता है और वहाँ की चीज़ों को बर्बाद कर देता है, और वहाँ के लोग बहुत इंटरटेन होते हैं और मंकी किंग की बड़ाई करने लगते हैं, और मॉन्क उनके सामने अपना क्रेडिट बनाने के लिए मॉन्क को बेवकूफ बोलने लगता है और मंकी किंग को अपना गुलाम बताता है। मॉन्क यह बात बहुत बार रिपीट करता है, जिसे मंकी किंग को अच्छा नहीं लगता और वह मॉन्क पर अटैक कर देता है, पर मॉन्क एक सॉन्ग गाकर मंकी किंग को कंट्रोल करता है। तो वहाँ के लोग मॉन्क को वहाँ से हमेशा चले जाने के लिए कहते हैं। अब हमें मूवी का नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की होती है और वह एक डेमन हंटर को बुलाती है और बताती है कि मेरे माँ के अंदर कोई डेमन है। ये सुनकर वे डेमन हंटर उस बूढ़ी औरत के अंदर से डेमन को भगाने की ट्राई करते हैं, बट वहाँ उन्हें पता चलता है कि डेमन उस बूढ़ी औरत के अंदर नहीं बल्कि उस लड़की के अंदर होती है, और वे उस लड़की के अंदर से डेमन को भगाने लगते हैं और वो डेमन हंटर्स पर अटैक करती है और उन्हें मार देती है। नेक्स्ट सीन में हमें मॉन्क मंकी किंग को पनिश करते हुए दिखाया जाता है। वो मंकी किंग को बहुत पनिश करता है, तो उसे कोड़ों से मारता है और उसकी जीभ खींच लेता है। मॉन्क मंकी किंग फिश एंड पिग मॉन्स्टर को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। फिश एंड पिग डेमन इस सीन को देखकर डर जाते हैं। वे कहते हैं कि हम मॉन्क की सारी बातें माने। उनके पास बुद्धा की कोई शक्ति थी जिसे मंकी किंग बहुत ही डरता था, कहीं वह फिर वर्षों के लिए कैद ना कर लिया जाए। तभी नेक्स्ट सीन में मॉन्क को जंगल में पानी ढूंढते हुए एक घर दिखाई देता है। जब वो घर के गेट को नॉक करता है तो उसमें से कई खूबसूरत लड़कियां आती हैं और मॉन्क को देखकर बहुत खुश होती हैं और मॉन्क को खाने पर इनवाइट करती हैं। तभी वहाँ पर मंकी किंग और दोनों डेमन भी आ जाते हैं। दरअसल वे लड़कियाँ भी डेमन होती हैं और मंकी किंग उन्हें पहचान लेता है, और उन लड़कियों के लीडर भी मंकी किंग को पहचान लेती है। मंकी किंग मॉन्क से कहता है कि ये सब डेमन है और हमें यहाँ से चलना चाहिए, बट मॉन्क मंकी किंग के बातों को अनसुना कर देता है और उनमें बहस होने लगती है। तभी अचानक से वो डेमन लड़कियाँ मॉन्क पर अटैक कर देती हैं, पर मंकी किंग मॉन्क को बचाता है और मंकी किंग फिश एंड पिग सभी डेमन से फाइट करने लग जाते हैं और उन डेमन को मार देते हैं। फाइट के दौरान फिश डेमन पॉइजन लेता है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि पिग एंड फिश डेमन खाना बना रहे होते हैं और मॉन्क पहाड़ी के पिक पर बुद्धा से शक्ति मांगते हैं कि उसे शक्ति दे ताकि वह सभी को कंट्रोल कर सके, क्योंकि मंकी किंग और पिग डेमन उसे मारकर आज़ाद होना चाहते थे, बट वे मॉन्क के पावर्स को सोचकर डर जाते थे। पर मॉन्क के पास कोई पावर नहीं होती है, बस वे उन्हें डराकर रखता था। बुद्धा से पावर मांग ही रहा होता है कि तभी पिग डेमन पीछे से उसकी सारी बातें सुन लेता है और वह मंकी किंग को बता देता है कि मंकी किंग मॉन्क को मारने जाता है, पर मॉन्क बुद्धा से प्रे करता है कि उसे पावर दे। तभी आसमान से लाइट आती है जिसे देखकर मंकी किंग डर जाता है और मॉन्क से माफ़ी मांगता है और पिग डेमन को रॉन्ग न्यूज देने के कारण बहुत मारता है। और मॉन्क मंकी किंग फिश और पिग डेमन एक सिटी में पहुंचते हैं। फिश डेमन पॉइजन के कारण पूरी फिश चेंज हो गया होता है और पिग डेमन को उसे खींचकर ले जाना पड़ता है। जब ये सिटी के अंदर जाते हैं तो वहाँ के मंत्री साहिबा उनका स्वागत स्वैग से करती हैं। वे सबको राजा को दरबार में ले जाती हैं,
जहाँ राजा बच्चों जैसी अजीब हरकतें कर रहा था और वो मोंग को आदेश देता है कि दिखाओ कि तुम कैसे डेमन को पकड़ते हो, नहीं तो तुम्हारे प्राण ले लिए जाएंगे। मोंग को तो कुछ आता तो था नहीं, इसलिए वो मंकी किंग की हेल्प मांगता है। मंकी किंग मोंग और खुद को एक मैजिकल पेपर से कनेक्ट करता है कि जैसा वह करे वैसा ही मोंग करेगा। मंकी किंग मोंग से बहुत ही अजीब और गंदी हरकतें करवाता है क्योंकि वह मोंग से बदला ले रहा होता है। मोंग की ऐसी अजीब हरकतें देखकर राजा गुस्सा हो जाता है और मोंग को मार डालने के लिए आदेश देता है, पर वहाँ के मंत्री सहिवा 2-3-5 करके मोंग मंकी किंग पिग एंड फिश डेमन को बचा लेती हैं और मोंग से कहती हैं कि यहाँ पर कभी दोबारा मत आना। अब मोंग मंकी किंग को बहुत भरा बुरा कहता है और डांटता है। तभी मंकी किंग बोलता है कि जब आपकी बेइज्जती सबके सामने हो तो कैसा लगता है, जैसे तुम मुझे बेवकूफ़ बोलते हो। मोंग बात समझ जाता है और मंकी किंग से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि आज से हम दोनों भाई हैं। तभी मोंग और मंकी किंग फिर से राजा के दरबार में जाते हैं और राजा से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें एक और चांस दिया कि डेमन कैसे पकड़ते हैं। मंकी किंग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और राजा को थप्पड़ पे थप्पड़ मारने लगता है और राजा भी उसे। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा के अंदर एक डेमन होता है जो कि एक रोबोट लड़का होता है और वह मंकी किंग से फाइट करने लगता है। मंकी किंग और उसके बहुत ही जबरदस्त फाइट होते हैं कि महल का बहुत ही हिस्सा खराब हो जाता है और मंकी किंग उस रोबोट डेमन को हरा देता है और फिर डेमन उसे फ्रेश कर देता है। मोंग उसे टॉय में चेंज कर देता है और मिनिस्टर सेवा को सौंप देता है। अब राजा अपने रियल लुक में आ जाता है। राजा बहुत ही खुश होता है और मोंग को बहुत गिफ्ट देता है, ताज ताजियां भेज देता है, बट मोंग इसे रिफ्यूज कर देता है। तभी वहाँ पर एक गाना गाने वाली लड़की आती है जो बहुत ही अच्छा गाना गाती है और नाचती भी है। राजा इस लड़की को मोंग को गिफ्ट करता है पर इस बार भी मोंग रिफ्यूज करता है। राजा और मंकी सहिबा इसे स्वीकारने के लिए मोंग से इंसिस्ट करते हैं बट मोंग नहीं। मोंग वहाँ से चला जाता है। अब आलम यह है कि मोंग को यह लड़की बहुत याद आती और मिस टुआन की याद दिलाती है। मोंग सुबह राजा के महल जाता है और लड़की को स्वीकारने की बात करता है, पर राजा इस बार लड़की को नहीं देता क्योंकि राजा को लड़की से प्यार हो जाता है। राजा बोलता है कि मैं इसे शादी करने वाला हूँ। तभी वहाँ मंत्री साहिब आती हैं और कहती हैं कि वो लड़की आपको नहीं पसंद करती और आपसे शादी नहीं करना चाहती और वह महल छोड़कर जा रही, सो आप मोंग को इस लड़की को भेज दे क्योंकि यह लड़की मोंग के साथ ही जाना चाहती है। राजा मान जाता है, लड़की मोंग के साथ जाती है। मंकी किंग दासी और मोंग को साथ देखकर जेलस होता है और मोंग से अकेले में बोलता है कि यह लड़की एक डेमन है। वो प्रूफ के लिए अपना आईना निकाल से किसी डेमन का रियल फेस उसमें दिखाई पड़ता है, बट उस आईने में मंकी किंग का फेस तो शो कर रहा था बट लड़की का नहीं। तभी वो लड़की पर अटैक करता है और सच बोलने के लिए कहता है। लड़की फिर रिफ्यूज़ करती है कि वो डेमन नहीं। मंकी किंग मोंग के प्रूफ के लिए उसे लेकर उसके गांव जाता है। गांव में लड़की के फैमिली वाले मिलते हैं पर मंकी किंग को सब डेमन जान पड़ते हैं और वो सबको मारने लगता है। इसे देखकर वो उस लड़की को मारने ही वाला था कि मोंग उसे रोकता है और कहता है कि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ तुम उसे मार देते हो, स्टुआन को मारने वाले भी तुम ही हो। ये सब सुनकर मंकी किंग वहाँ से चला जाता है। सीन में लड़की और मोंग सी के किनारे एक पिक पर बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पिक और फिश डेमन आकर मोंग को कहते हैं कि मंकी किंग ने सब विलेजर्स को मार दिया। लड़की और मोंग गांव में पहुंचते हैं जहां सब कुछ खत्म हो चुका होता है। मंकी किंग लड़की को मारने जाता है क्योंकि लास्ट डेमन वही बची हुई होती है। मंकी किंग उस पर अटैक करता है, तभी मोंग बीच में आकर उसे रोकता है तो मंकी किंग मोंग को मारने लगता है। इसे देखकर लड़की कहते हैं कि हाँ मैं डेमन हूँ। वह बताती है कि कुछ लोगों ने उसका रेप किया था और उसे मार दिया था और वह एक डेमन बन गई क्योंकि वह अपने विषय से फ्री नहीं हुई। मोंग उसे सांत्वना देता है, तभी मंकी किंग अपना विशाल रूप धारण करता है, मोंग को निगल लेता है और वहाँ से वह एक पहाड़ी पर चढ़ के भी उसके पैर पकड़कर साथ साथ जाती है। वहाँ पर मिनिस्टर साहिबा याओ चेंग आती है। वह एक चुड़ैल होती है और उसके साथ वो रोबोट डेमन लड़का भी होता है। हमें यहाँ रिवील होता है कि राजा का यह हल करने, मोंग और मंकी किंग के बीच दूरियाँ पैदा करने में उसी का हाथ होता है। उसी ने उस डेमन लड़की को मोंग के पास भेजा होता है जिससे वह मोंग को अपने जाल में फंसा सके, बट वह डेमन लड़की मोंग से प्यार कर बैठती है। याओ चेन मंकी किंग को भी अपना गुलाम बनाना चाहती है। तभी मंकी किंग अपने मुंह से मोंग को बाहर निकालता है जो कि जिंदा होता है। दरअसल मंकी किंग और मोंग को पहले से ही पता होता है कि मिनिस्टर सहिबा एक चुड़ैल है। वे दोनों उसको उसी के जाल में फांस कर यहाँ ले आते हैं। इसे सुन याओ चेन गुस्सा हो जाती है और रोबोट डेमन को इन सबको मारने के लिए ऑर्डर देती है। पिग और फिश डेमन रोबोट डेमन से लड़ते हैं और फिश डेमन रोबोट को फ्रीज कर देता है। इधर मंकी किंग और याओ चेन में लड़ाई शुरू हो जाती है और मंकी किंग याओ चेन पर भारी पड़ते हैं। अभी याओ चेन अपने मैजिक से पानी के अंदर बुद्धा की स्टैचू निकालती है, लेकिन मंकी किंग कहता है कि बुद्धा की पावर किसी मॉन्स्टर के पास नहीं हो सकती और ये एक छलावा है, और मंकी किंग उनसे लड़ने लगता है। तभी ये स्टैचू मंकी किंग पर भारी पड़ती है,
तभी वहाँ बुद्धा के तीन और स्टैचू आ जाते हैं जो मंकी किंग पर आग पानी बिजली से एक साथ मंकी किंग पर अटैक करते हैं और मंकी किंग कमजोर पड़ने लगता है। तभी मॉन्क भी मंत्र पढ़ने लगता है। आसमान से बुद्धा का एक हाथ आता है जो रियल बुद्धा होता है और वो फिर तीनों स्टैचूज को उठा लेते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी याओ चेन मंकी किंग के हाथ पर गिरती है। तभी बुद्धा की आवाज़ आती है जो उसे सुधर जाने को कहते हैं। तभी याओ चेन को हम असली रूम में देखते हैं जो छह सिर वाली गोल्डन ईगल होती है और बुद्धा उसे ले जाते हैं। अब मॉन्क डेमन लड़की के पास जाते हैं और देखते हैं कि उसकी हड्डियां दिखाई दे रही हैं और वो मॉन्क से बोलती है कि वो उसे आज़ाद कर दे क्योंकि अब वो और डेमन बन के नहीं रहना चाहती और मॉन्क उसको आज़ाद कर देते हैं। और नेक्स्ट सीन में वे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए दिखाए जाते हैं जहाँ मॉन्क को मिस्टर वान दिखाई देती है और वो बहुत खुश होता है और वो मंकी किंग से मस्ती करता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।